आपका नाम क्या है? रघुनाथ पवार। रघुनाथ पवार। तो रघुनाथ पवार से मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था एंड काफी इंटरेस्टिंग फैमिली स्टोरी है इनकी। वी ऑल विश टू बिकम बेटर, लर्न न्यू थिंग्स, बिकम स्मार्टर एवरी डे। However, for every lesson we learn, there is a price that needs to be paid. And the price isn't always as obvious as money or time. It could be something as simple as getting up from your bed and moving out to see the world. Okay, so we have finally reached our destination of the day. And I will show you too. उठके साइकिल चलाना दिन का सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक एक सिंगल बोट में मछुआरे हैं जो कि मछली पकड़ते हैं। फन फैक्ट जो मुझे भी पता चला है कि अगर आपको मछली पकड़नी होती है तो आपको रात में आना होता है। ये लोग जो लोग हैं वो लोग सुबह सुबह 4 बजे आते हैं और उनका लॉजिक ये है कि अगर आप सुबह 4 बजे आओगे और अपना जाला डालोगे तो जब मछलियाँ सो के उठेंगी और जब वो घूमना शुरू करेंगी बिकॉज ऑफ सनलाइट तब वो आके अपने जाल में फंसेंगी। तो आप यहाँ पे रोज सुबह आते हो मछली पकड़ने, लेकिन आपके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं बताइए। इंजीनियर है मुझे। राइट, तुम्ही शिकलेले नाही आहे आणि तुमचे मुले एवढे शिकलेले आहेत, मग तुम्हाला हे कळलं कसं की शिकल्यानंतर आपल्याला हे फायदा होतो? आणि फायदा होईल काय ना होईल हे मला काहीच याचं माहिती नव्हतं। फायदा होईल ओके, ह्या आशयाने मी काही केलं नाही, पण ज्या अर्थी माझी मुलं दोन्ही माझी मुलं जी ज्या अर्थी मी त्यांना शाळेमध्ये टाकले ना त्या दिवसापासून म्हणजे ते कधी नापास झाले नाही, चांगल्या मार्काने पास होत गेले। ओके, तशी तशी माझ्या पण मनामध्ये म्हणजे असे म्हणजे तुम्हाला असं वाटलं की एनकरेज हो एनकरेज करा? हा, का मला असं वाटलं का माझी मी तर नाही शिकलो पण माझी मुलं शिकली ना तर मला जर काहीतरी वाटेल म्हणजे काहीतरी मी काही केलंय म्हणून। साथ आज जो व्यक्ती है राज जिसके साथ मैं साइकिल चलाने आया हूँ उसने अभी एक नई बाइसिकल ली है ट्रैक की जो कि काफ़ी महंगी है, तो मुझे अब उसकी बाइसिकल चला के ये देखना है कि वो इतनी महंगी क्यों है और मेरी सस्ती और उसकी महंगी बाइक के बीच में क्या फ़र्क है। सो दैट ट्रैक द मॉडल विच हीज बॉट कॉस्ट 60,000 रुपीज। दिस इज द बाइक दैट आई एम प्लानिंग टू ट्राई अभी, इट इज़ कॉल्ड ट्रैक बर्लिन। तो बेसिक मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इतनी महंगी क्यों है? पहली बात इट्स अ ब्रांडेड बाइक, सेकंड थिंग इट्स सुपर हैवी, सॉरी इट्स सुपर लाइट कंपेयर टू अदर एमटीवीज। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। सुपर लाइट एंड इट हैज अ एल्युमिनियम स्टील हाइब्रिड फ्रेम। ओके, एंड इट्स 18 गियर बाइक एंड ऑल द पार्ट्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एंड वेट बहुत कम होना चाहिए, राइट? तो फॉर कंपैरिजन ये जो मेरी बाइक है ये सन पीड नाम की ब्रांड की है एंड जब मैं ले रहा था तो जो जिस बंदे ने मुझे ये दी उसने मुझे काफ़ी तारीफ करके ही बेचा ऑब्वियसली कि ये भी बहुत ही इंटरनेशनल ब्रांड है और अच्छी है और इसमें बहुत महंगी बाइक्स के फीचर हैं लेकिन प्राइस ज़्यादा नहीं है वगैरह वगैरह। ऐसे फालतू के पैसे नहीं लिए वो लोग। द मेजर डिफरेंस दैट आई फेल्ट इज दैट पर पेडल लाइए ज्यादा दूर जाता है जो कि मेरा वाला नहीं जाता है, मतलब जो कि मेरी साइकिल 2 पेडल में कर पाती है वही डिस्टेंस तुम्हारी साइकिल 1 पेडल में कवर कर लेती है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस एंड ऑफकोर्स इट इज लाइट वेट एंड वेरी स्टर्डी। तो मेरी वाली थोड़ी चलाने के बाद से अभी से थोड़ा ऐसा अंजर पंजर उसके डीले होते हुए लग रहे हैं, तो ठीक है फिर तो वसूल है। अब मेरी शॉपिंग लिस्ट और महंगी हो गई। Just look at this.
ये लाल माट का खेत है, ऐसा मुझे घर आके गूगल करने के बाद समझ आया। सबसे ज्यादा मजा आता है जब आपको कोई अच्छी जगह मिलती है और वहां पे आप अपनी फोटो खिंचवाते हो। तो अब हम अपनी फोटो खींचेंगे। अपनी फोटो के लिए किसी का खेत नहीं खराब करना चाहिए, है ना? वहीं से तो हाई प्रोटीन डाइट आती है सारी। What amazes me is the sheer amount of wisdom and inspiration that people carry inside them. All that we need to do is ask and explore.